दिल्ली में हिट एंड रन का मामला, मर्सिडीज ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर मारकर मर्सिडीज सवार फरार हो गया। हादसे में साइकिल सवार राजेश की मौत हो गई है। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और विशाल पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि साइकिल सवार की जान चली गई है, इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन भी सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी जो घटना है ये शनिवार यानी 17 तारीख की है, जब सुबह 8:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल रिसीव होती है। कॉल में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो गया है। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और देखती है कि वहाँ एक साइकिल सवार जो है वो खून में लथपथ सड़क किनारे जो है वो पड़ा हुआ है। ये पूरी घटना जो है ये आश्रम फ्लाईओवर के नीचे की होती है। और आपको बता दें, जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की, तो पता चला कि एक मर्सिडीज चालक जो है वो साइकिल सवार को टक्कर मारता है और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, CCTV फुटेजेस निकाले और जो मर्सिडीज चालक है जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है प्रदीप गौतम, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ UP नंबर की जो मर्सिडीज गाड़ी है उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें, इस पूरी घटना में राजेश जो कि साइकिल चालक था उसकी मौत हो जाती है। पेशे से राजेश जो है वो माली का काम करता था और काफी गरीब परिवार से जो है वो ताल्लुक रखता था, लेकिन अब जो परिवार है वो इंसाफ की लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। विशाल, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है।